कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एचपीपीसी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान। बैठक में कुल 26 एजेंडों रखे गए थे और जिन पे बात किया गया, मंथन किया गया। आपको ये भी बता दें कि सिंचाई विभाग के सबसे ज्यादा 11 एजेंडे थे, 8 एजेंडे डेफर किए गए और 2 कैंसिल किए गए हैं, ये मुख्यमंत्री का कहना है। आपको बता दें कि आज काफी अहम बैठक हाई पावर परचेज कमेटी की गई और उसमें 28 एजेंडे सुने गए। आपको ये बताएं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 एजेंडे जो है वो कैंसिल किए गए हैं। कुल 275 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में कुल 26 एजेंडे थे, सिंचाई विभाग के सबसे ज्यादा 11 एजेंडे थे। हालांकि इससे पहले भी जब इससे पहले हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें भी ज्यादातर जो थे किसानों के एजेंडों पर बात की गई थी, फसलों के ऊपर बात की गई थी और इस बार भी सिंचाई विभाग के सबसे ज्यादा 11 एजेंडे थे। कमेटी की एक मीटिंग लगभग 3 घंटे हमारी चली है और उसमें कुल 26 एजेंडे थे, जिसमें परचेज का भी एक कुछ एजेंडा थे और कुछ इंजीनियरिंग वर्क्स के भी थे। ऐसे कुल मिलाकर उसमें से 8 एजेंडे तो अभी डेफर किए गए हैं, 2 उसमें कैंसिल हैं और 6 डेफर हैं किन्हीं कारणों से, और 18 जो आज क्लियर हुए हैं उसके अंदर कुल मिलाकर 275 करोड़ रुपए का जो इस प्रकार के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे या परचेज के जो ऑर्डर्स थे वो प्लेस किए गए हैं, जिसमें नेगोशिएशन के माध्यम से 7 करोड़ 7 लाख रुपए की आज ये बचत हुई है। ऐसे कुल मिलाकर के और मोटे रूप से उसमें इरिगेशन के लगभग 6, 3, 9, 2, 11 तो केवल इरिगेशन के ही थे और इसके अलावा पावर डिपार्टमेंट के थे। एक पशुओं का बीमा, इसका भी आज हमने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया है, जो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लोग अपने पशु का बीमा करा सकेंगे, तो वो भी एक कंपनी के द्वारा हुआ है। पशु बीमा योजना सारे देश भर में, हरियाणा की जो ऐसी पॉलिसी लगातार जो चल रही है पशुओं का बीमा, जो है पिछले साल भी जो बीमा कराया गया था उसमें लगभग 70 करोड़ रुपये का क्लेम ये पशुओं के बीमे के कारण से किसानों को मिला है। तो ये एक अच्छी स्कीम हमारी चल रही है। हाँ, कुल मिलाकर के आखिर पारदर्शिता आनी चाहिए और एक प्रक्रिया भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक नेगोशिएशन का सिस्टम जो है बहुत कोई अच्छा खुद ही मार्क नहीं था और कई बार तो L1 से एक ही आदमी को बुला करके उसी से नेगोशिएशन करते थे। लेकिन नेगोशिएशन का एक नियम है कि जब तक कंपटीशन में दूसरी पार्टी नहीं हो तब तक नेगोशिएशन का कोई अर्थ नहीं है। हमने उसमें कम से कम 2 पार्टी होना अनिवार्य कर दिया है, या जिनका 5% के रेंज के अंदर जो होंगे तो मिनिमम 5, यानी जो L5 तक, L1, L2, L3, L4, L5 उनको बुलाएंगे। 5% की सब पार्टियां जो आएंगी, अगर 5 से नीचे केवल एक ही है जो L1 है तो L2 जिस भी रेट का किसी भी अंतर का होगा उसको भी बुलाएंगे। ऐसा ही निर्णय भी किया है ताकि सब लोग जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से नेगोशिएशन की जा सके। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है और उस सुझाव में अभी कोई फॉर्मल उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया है, एक सुझाव के रूप में कुछ कहा है, जो सुझाव देने वाले स्वयं ही कोई उसका प्रारूप कोई उसका बना के लाएंगे कोई, तो उसके बाद देखेंगे फिजिबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है। और वो आखिर कोई हरियाणा सरकार के हाथ में अकेले नहीं है, उसमें मल्टीपल स्टेट्स का मामला है, सेंटर का मामला है, तो उस नाते से कभी चलेगा चलेगा, वरना तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है हमारे लिए वही फाइनल है कि SOL जो है उसका रूप है उसी पर वो बनेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि चंदेल जुड़े हुए हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे, 26 एजेंडे इस बैठक में रखे गए, लेकिन अच्छी खबर ये कि 18 पास कर दिए गए। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में लगभग 3 घंटे हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जो है वो चली और इस हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में कुल 26 एजेंडे थे वो रखे गए थे और जिसमें से 8 एजेंडों को जो है वो डेफर किया गया, इसके अलावा 2 एजेंडेज को जो है वो कैंसिल किया गया। आज की इस बैठक के अंदर लगभग 275 करोड़ की परचेजिंग को जो है वो हरी झंडी मिली है। साथ ही लगभग जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नेगोशिएशन के माध्यम से लगभग 7 करोड़ 7 लाख रुपयों की जो है वो बचत की गई है, और जिस तरीके से सबसे बड़ा अगर हम हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में पशुधन को लेकर जो है वो हमेशा से योजनाएं जो है वो जो थी वो चलाई जा रही थी, इसी कड़ी के अंदर जो है वो पशु बीमा योजना जो है वो अब 3 साल के लिए लागू की गई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका फायदा जो है वो अधिकतर किसानों को हुआ है। अगर यदि हम अब तक का जिक्र करें तो उन्होंने कहा कि अब तक जो था वो प्रदेश के किसानों को जो है वो लगभग 70 करोड़ रुपयों का फायदा जो है वो हुआ था, जिस भी किसान ने जो है वो पशुओं का बीमा करवाया था उसका क्लेम जो है वो उस क्लेम के माध्यम से लगभग 70 करोड़
रुपयों का क्लेम जो है वो प्रदेश के किसानों को जो है वो मिल चुका है। जी जी रवि, एक और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बताया कि 11 एजेंडे जो थे वो सिंचाई से जुड़े हुए थे, तो क्या इस बार भी परिवहन विभाग की तरफ से जो एजेंडे रखे गए थे उन पर भी मंथन किया गया, क्योंकि प्रदेश में लगातार बसों की कमी चल रही है उसको लेकर, क्योंकि खुद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद थे। देखिए, यदि हम परिवहन विभाग का जिक्र करें तो परिवहन विभाग के अंदर जो है वो हाल ही के दिनों के अंदर जो है BS4 और इलेक्ट्रॉनिक बसेस की जो है वो बम्पर खरीदारी जो थी वो की गई थी, जिसके बाद आज जो है वो खास तौर पर उच्चतर शिक्षा विभाग को लेकर जो परचेजिंग की जानी थी उसको लेकर जो है वो फैसला लेना था। लेकिन यदि इरीगेशन डिपार्टमेंट की यदि हम जिक्र करें, इरीगेशन विभाग का जिक्र करें, तो इस आज की हाई पावर परचेज कमेटी के अंदर सबसे अधिक इरीगेशन डिपार्टमेंट के लगभग 11 एजेंडे जो थे वो इस मीटिंग में शामिल थे, और इस मीटिंग में 11 के 11 एजेंडों को जो है वो हरी झंडी मुख्यमंत्री द्वारा हाई पावर परचेज कमेटी में दी गई है। जी चलिए, बने रहे आप रवि हमारे साथ, क्योंकि चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस विधायक दल के हैं बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर ये बैठक हो रही है और नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी है और 2024 चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जा रही है। तो आज काफी अहम बैठक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हो रही है, और इस बैठक में 2024 में किस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि आज काफी अहम बैठक जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तरफ से की जा रही है, और जिसमें कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद है, और साथ ही साथ 2024 की रणनीति के लिए आज इस बैठक को रखा गया है, और किस तरीके से मजबूती प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में लानी है और किस तरीके से 2024 का चुनाव जीतना है उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़े हुए हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे 2024 चुनाव को लेकर क्या इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कमान संभाले हुए हैं। देखिए, जाहिर तौर पर 2024 को लेकर अभी से ही तमाम राजनीतिक दलों ने जो है वो कमर कस ली, और इसी कड़ी के अंदर यदि हम कांग्रेस जो हरियाणा के अंदर मुख्य विपक्षी दल है उसका जिक्र करें, तो कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से काफ़ी आक्रामक तौर पर जो है वो गठबंधन सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर अब जो है वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, और इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा वो भी इस बैठक में मौजूद है, और साथ ही तमाम जितने भी विधायक हैं वो इस बैठक में, हालांकि कुछ एक विधायक जो हैं वो चाहे हम किरण चौधरी का जिक्र कर लें या फिर कुछ एक अन्य विधायकों का जिक्र करें, वो इस बैठक में जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन इस बैठक के अंदर खास तौर पर प्रादेशिक मुद्दों को लेकर जो है वो रणनीति तैयार की जा रही है। सबसे पहले अगर हम जिक्र करें पहलवानों का, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के अंदर जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो बार गए और दो बार पहलवानों से इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने ली, और साथ ही साथ यदि दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र करें तो दीपेंद्र हुड्डा वो भी लगातार जो है वो पहलवानों के साथ जो है वो संपर्क बनाए हुए हैं, और उनकी हर जिस तरीके से मदद की जा सकती है उसको लेकर जो है वो मदद करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ पहलवानों के माध्यम से जो है वो गठबंधन सरकार और केंद्र सरकार को जो है वो घेरने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यदि हम प्रादेशिक मुद्दों का जिक्र करें, चाहे किसानों का जिक्र करें, बेरोजगारी का जिक्र करें, महंगाई का जिक्र करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो कांग्रेस काफ़ी आक्रामक बनी हुई है। इसके अलावा जो राजकोषीय घाटा है, जिसका जिक्र अक्सर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अपनी प्रेस वार्ता में करते हैं, कि उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगातार घटती जा रही है, और प्रति व्यक्ति प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर जो है वो कर्ज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन तमाम विषयों को लेकर जो है वो रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है, कि किस तरीके से गठबंधन सरकार को जो है वो घेरा जाए, और साथ ही साथ पॉसिबिलिटीज ये भी लगाई जा रही है कि हर हफ्ते यानी प्रदेश के अलग अलग जिलों में कोई ना कोई विधायक जो है वो प्रेस वार्ता कर जो है वो इन तमाम चीज़ों के खुलासे करे, जो वहाँ के हलकों के वहाँ के निवासियों को जो समस्याएँ आ रही हैं उन समस्याओं को जोर शोर से उजागर करे, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष के तौर पर जो मैसेज प्रदेश के अंदर जो है वो जाए। जी एक और सवाल है रवि, क्योंकि जिस तरीके से इनेलो की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था गठबंधन को लेकर, उन्होंने कहा कि 2024 में होगा तो बीजेपी और जेजेपी को हराने के लिए हम किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, और कांग्रेस का भी तहे दिल से उन्होंने स्वागत किया था, तो क्या उसको लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जा सकता है?
देखिए मौजूदा समय का यदि हम जिक्र करें तो मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस जो है वो प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस इस समय कमांडिंग पोजीशन पर है, ना कि इंडियन नेशनल लोकदल। यानी इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो इस समय कमांडिंग पोजीशन पर नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल चाहती है कि किसी न किसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल का जो है वो वर्चस्व एक बार फिर से कायम हो, तो उसको लेकर तीसरे मोर्चे की भी कवायद जो थी वो की जा रही थी। तीसरे मोर्चे को लेकर खुद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला नीतीश कुमार से भी मिले थे लगातार, जब इनेलो के कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत भी की थी, ऐसे तमाम तरीके की कार्यक्रमों का आयोजन भी किया था, लेकिन उस दौरान कांग्रेस का एक भी नेता उस आयोजन में जो है वो एक साथ इकट्ठा नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत कम ऐसी उम्मीदें लगती हैं कि कांग्रेस जो है वो इनेलो के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कई बार कुछ ऐसे फैसले जो है वो अचानक से लिए जाते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार चुनावों के वक्त या फिर चुनावों के बाद जब सीट्स जो है वो जीत कर जो है वो सब तमाम राजनीतिक दल जब सामने आ जाएंगे, उसके बाद यदि जरूरत पड़ती है कांग्रेस को तो कांग्रेस जो है वो इनेलो से हाथ मिला सकती है, अन्यथा मौजूदा स्थिति के अंदर कहीं से भी किसी भी लिहाज से जो है वो कांग्रेस जो है वो इनेलो के साथ जो है वो गठबंधन करती हुई दिखाई नहीं दे रही। और ये बात जो है वो खुद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भी लगातार कहते हुए आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते हैं।